In this video, we will discuss about sexual reproduction in paramecium. Okay? तो सबसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है. ओके? तो उसमें होता है कॉन्जुगेशन मेथड से, और उसमें आफ्टर कॉन्जुगेशन के बाद फोर डॉटर पैरामीशियम इज फॉर्म. देखो ये लड़का, फोर डॉटर पैरामीशियम फॉर्म आफ्टर कॉन्जुगेशन. ओके? फिर कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप से होता है पैरामीशियम में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब जब टेम्परेचर और वाटर फूड ये सब उसके लिए फेवरेबल नहीं होता. ओके? तब होता है. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे कि कैसे होता है. सबसे फर्स्ट एज वी नो दैट कि पैरामीशियम होता है एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस. तो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और माइक्रो होता है वो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, वो होता है माइक्रोन्यूक्लियस. सबसे फर्स्ट क्या होता है कि टू पैरामीशियम आ जाते हैं और जो कॉन्जुगेंट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है. ठीक है? जैसे लिखा टू पैरामीशियम फ्यूज एंड कॉन्जुगेंट, कॉन्जुगेंट्स मतलब जुड़ जाते हैं. ओके? फिर उसके बाद क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस बिकम डीजनरेट एंड ईच माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड. ठीक है? जो उसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसका तो कोई रोल होता ही नहीं है, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है तो उसका रिप्रोडक्शन में रोल होता नहीं है, तो वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है. और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है एक पैरामीशियम में, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, अब वो जो दो पैरामीशियम जुड़ गए कॉन्जुगेंट बन गया, तो एक में एक माइक्रोन्यूक्लियस है दूसरे में दूसरा, तो एक जो एक है पैरामीशियम उसमें दो बार माइटोसिस डिवीजन होगा. माइटोसिस डिवीजन के बाद हमें पता है एक बार होगा तो दो बनता है. फिर अब देखो इसमें दो बार माइटोसिस हो रहा है, तो एक से जिसमें हुआ एक बार, जैसे ये देखो इसमें एक बार हुआ तो दो बने. ठीक है? फिर दो बार होता है एक में, एक इसमें और हुआ तो दो, तो टोटल एक में कितने हो गए? चार हो गए ना, चार. ये देखो इसमें एक में चार बन गए, ऐसे दूसरे में तो चार हो जाएंगे. फिर थ्री न्यूक्लियर इन ईच कॉन्जुगेंट डिसअपेयर, इनमें से जैसे ये चार बने इनमें से तीन डीजनरेट हो जाएंगे. फिर एक में कितना बचेगा? एक बचेगा, इसमें भी ऐसे तीन डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा. तो ये लिखा है थ्री ऑफ न्यूक्लियर इन ईच कॉन्जुगेंट डिसअपेयर, मतलब जो थ्री माइक्रो न्यूक्लियर थे वो डीजनरेट हो जाते हैं. तो तीन डीजनरेट हो गए तो फिर क्या बचेगा? एक एक. अब देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, तो दो पैरामीशियम होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और कॉन्जुगेंट बनाते हैं. ठीक है? उसके बाद उनका माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाता है, और माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है वो भी दो बार, चार बनते हैं, चार से तीन डिसअपेयर हो जाते हैं और एक बचता है. अब दोनों कॉन्जुगेंट में सिर्फ एक एक माइक्रोन्यूक्लियर बचता है. ठीक है? अब देखो अब एक माइक्रोन्यूक्लियर बचेगा, उसमें अनसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, मतलब कि जैसे कि देखो ये होता है इसमें ऐसे ये सेम सेम आए सेम साइज के, तो इसको बोलते हैं वो सिमेट्रिकल डिवीजन. और ये बना एक छोटा बन गया और एक बड़ा बन गया, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल डिवीजन. तो इसमें जो एक माइक्रोन्यूक्लियर बचा था उसमें अनसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, हो गया. तो एक हुआ माइटोसिस डिवीजन सिर्फ एक बार, तो दो बनेंगे. फिर उसके बाद जो होता है अनसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, उसके बाद जो दो कॉन्जुगेंट होते हैं ना उसमें उनका चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब उनका न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर होता है ना उनका एक्सचेंज होता है. देखिए रिमेनिंग न्यूक्लियर डिवाइड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल डिवाइड हो गया, स्मॉल प्रो न्यूक्लियर और एक्सचेंज, जो स्मॉल वाला होता है अनसिमेट्रिकल के बाद बनता है उसको हम बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर, उनका एक्सचेंज होता है. प्रो न्यूक्लियर इन ईच कॉन्जुगेंट फ्यूज एंड फॉर्म जायकोट. ठीक है? जो फिर जैसे अब उनका एक्सचेंज हो गया तो एक कॉन्जुगेंट में कितने दो, अब वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे. और हमें पता है कि जब हैप्लॉयड होते हैं वो तो न्यूक्लियर और वो जो फ्यूज होंगे तो जायकोट डिप्लॉयड बनता है. तो अब फिर क्या होगा, दोनों में हो गया एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये फ्यूज हो गए, ये बन गया, ये इसको जायकोट आता है. फिर उसके बाद ये कॉन्जुगेंट होते हैं ना ये सेपरेट हो जाते हैं, और इन सेपरेट इनको जो सेपरेट पैरामीशियम होता है इनको एक्स कॉन्जुगेंट बोलते हैं. पहले जो जुड़े थे उनको हम कॉन्जुगेंट बोलेंगे, उसके बाद जब वो सेपरेट हो गए तो उनको हम एक्स कॉन्जुगेंट बोलेंगे. ओके? ये है एक्स कॉन्जुगेंट. अब आगे क्या होगा, अब देखो एक वो जो हुआ था उसमें
एक्स कॉन्जुगेंट थे ना, उनमें एक एक जायगोट न्यूक्लियस था डिप्लॉय, उनमें होगा 3 टाइम। अब देखो 3 टाइम होगा तो क्या होगा, कितने बनेंगे, 8। देखो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 3 बार होगा ना, 1 से 2, फिर 2 से 4 और 4 से, अब इनसे और बनाओ 6 और 8। देखो 8 बन गए ना, जैसे 1 में 3 टाइम डिवीजन होगा तो 4 बनेगा। देखो जैसे देखो 1 से 2 बने, अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बने, और 4 से 2 बार करेंगे फिर कितने बने, 8। तो अब देखो जायगोट न्यूक्लियस डिवाइड 3 टाइम्स एंड फॉर्म 8 न्यूक्लियस, उसके बाद कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 8। 3 टाइम डिवाइड किया, देखो अगर 1 से 1 बार हुआ डिवीजन तो 2 बने, फिर दो इन दोनों में ऐसे देखो हुआ तो कितने हो गए, 4। अब इनसे होगा कि 1 बार और तो 8 बन गए, 8। उसके बाद उनमें से 4 होते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और 4 होते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है। 3 माइक्रो न्यूक्लियस बिकम डिसअपीयर, ओनली सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस रिमेन। उनमें से जो 3 टाइम डिवीजन हुआ उसके बाद 8 बने, उसमें से अपन ने 4 को बोल दिया मैक्रो न्यूक्लियस और 4 को बोल दिया माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। 3 जो माइक्रो न्यूक्लियस था ना वो डीजनरेट हो गए, उसमें से 1 माइक्रो न्यूक्लियस बचा। अब जैसे आगे आगे क्या होता है, पैरामेशन में भी डिवीजन होता है और माइक्रो न्यूक्लियस में भी डिवीजन होता है। अब पैरामेशन में डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, 1 से 2 बने, ये दोनों बन गए, ठीक है। फिर इसमें होगा 2 2। अब इनमें से जो 4 थे ये माइक्रो न्यूक्लियस, इनमें एक एक चला गया, एक चला गया, फिर एक चला गया, एक चला गया, 4 थे, चारों में चले गए एक एक। उसके बाद जो माइक्रो न्यूक्लियस था उसमें होता है डिवीजन होता है, एक था देखो यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस एंड पैरामेशियम डिवाइड एंड फॉर्म ईच एक्स कॉन्जुगेंट एंड फॉर्म 4 डॉटर पैरामेशियम। एक्स कॉन्जुगेंट से कितने बनेंगे, 4 डॉटर पैरामेशियम, 4 डॉटर पैरामेशियम बने। तो उसमें था एक माइक्रो न्यूक्लियस, उसमें डिवीजन हुआ माइटोसिस तो 2 बने, इन दोनों में फिर उसमें एक में इसमें डिवीजन हुआ 2 बने, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। उसके बाद इसमें एक में डिवीजन हुआ माइटोसिस, एक इसमें चला गया, एक इसमें, फिर इसमें भी ऐसे हुआ माइटोसिस डिवीजन, एक इसमें और एक इसमें, ऐसे आफ्टर कॉन्जुगेंट 4 डॉटर पैरामेशियम आर फॉर्म।